हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट है नीटिंग क्लासेस। आज मैं एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसके साथ आप टेबल कवर, स्टूल कवर कुछ भी बना सकते हैं राउंड शेप में। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, हम 5 की चेन बना लेंगे। फिर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे इनको बंद कर देंगे। 2 की चेन बनाएंगे। अब डबल क्रोशेट करते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड हम डबल क्रोशेट से कंप्लीट करेंगे। It is very easy to make. Everyone can make it easily, and it looks so beautiful. सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड में हमें 1 होल में 2 स्टिचेस, 2 डबल क्रोशेट एंड 1 में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट करते जाना है। ऐसे ही सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थर्ड रो स्टार्ट होने वाली है। थर्ड रो भी सेम है, 2 डबल क्रोशेट प्लस 1 डबल क्रोशेट। इसी प्रोसेस से हमें इस थर्ड रो को भी कंप्लीट करना होगा। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। जब ये हमारा बनकर तैयार हो जाए तो हमें 10 की चेन बना लेनी है काउंट करके, और कोई भी दूसरा कलर लेना है यॉन का। इसको यहाँ पे चेन बना लेंगे नोट लगा के। इसकी भी 10 की चेन बनाएंगे हम फ्रेंड्स। अब ऐसे इनको अटैच करते जाएंगे। ऐसे ही सेम हमें करते जाएंगे, 10 की चेन बनाते जाएंगे और आगे वाले में इसको ज्वाइन कर देंगे।
ये देखिएगा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाइए। ये बहुत ईजी बनाने में, मेरी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाए और सभी वीडियो देखिए। पीछे इसको ऐसे नोट लगा देंगे। क्रोशे से आप थ्रेड को अंदर कर सकते हैं। इस डिजाइन के कोई भी स्टूल कवर, टेबल कवर बना सकते हैं। थैंक यू।